हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रद्धा। आपका मेरे किचन में स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई रेसिपी लेके आज हम बनाने वाले पीनट के लड्डू, मूंगफली के लड्डू बना के एकदम झटपट से बनने वाले। देखिए, देखने में कितना टाइमिंग लग रहा है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको हमने गुड़ से बनाया, एकदम हेल्दी भी है ये लड्डू और बहुत ही ईजी तरीके से बन भी जाता है। इसे आप व्रत में खा सकते हैं, अगर आपको कुछ मीठा खाने का मन करे तो। एकदम झटपट से बनने वाला ये लड्डू जल्दी से बन करके तैयार हो जाता है और जल्दी ये ख़राब भी नहीं होता। इसे आप बना करके एयर टाइट डिब्बे में रख दीजिए, आराम से ये महीना से 2 महीने में ख़राब नहीं होगा। अगर आप इसको फ्रिज में रख करके खाएंगे तो ये 3 महीने तक ये ख़राब नहीं होता है। तो चलिए टेस्टी टेस्टी हम लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिए, साइड में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेंगे। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हम ये पीनट के लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम इस तरह से बोल लेते हैं पहले, और हम इसमें 2 कप ये पीनट लेंगे। ये हम मूंगफली के दाने ले रहे हैं, पीनट को मूंगफली के दाने बोलते हैं। तो हम ये 2 कप लेंगे, तो ये हमने दूसरा कप भी ले लिए, तो टोटल हम ये 2 कप ही ले रहे हैं। आप मेजरिंग कप घर का कोई भी बड़ कटोरी से भी मेजर कर सकते हैं, मेजरिंग कप है तो भी ठीक है, नहीं तो घर के कोई भी बर्तन से आप ले सकते हैं। तो ये हमने मूंगफली ले ली। अब हम चल रहे हैं गैस की तरफ। अब हम एक ये पैन चढ़ा लिए और गैस का फ्लेम ऑन कर दिए, और अब हम इसमें से ये मूंगफली के दाने इसमें डाल देते हैं और इसको हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। ये अच्छे से इसको हमें रोस्ट करना है और गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। मीडियम फ्लेम में इसको हम रोस्ट करेंगे, मूंगफली अच्छे से चटक जाएगी, इसमें से आवाज़ें भी आएंगी, मैं आपको बताऊँगी। तो बस इस तरह से धीरे धीरे हम इसको चलाते हुए रोस्ट करेंगे। देखिए, इसको हम इसी तरह से बराबर इस तरह से चलाते जा रहे हैं और आप देखेंगे इसमें से धीरे धीरे आवाज़ें भी आ रही हैं चटकने की, तो आप सुन रहे होंगे। तो बस इसे हमें आराम से ही इस तरह से ही मीडियम फ्लेम में इसको हम बराबर से इसको रोस्ट करेंगे, तो ये सारी मूंगफली अच्छे से एक बराबर ही पक जाए और अच्छे से रोस्ट भी हो जाए। तो ये देखिए, मूँगफली दाना भी आप देखिए बढ़िया से रोस्ट हो गए हैं और अब इसमें से चटकने की आवाज़ भी नहीं आ रही है। तो अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो हम फ्लेम को ऑफ कर दिए तो ठंडा कर लेते हैं। तो ये देखिए, अब मूँगफली दाना भी इस तरह से थोड़ा सा ठंडा हो गया, अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है, हल्का सा ही ये गर्म है। अब हम एक मिक्सर का जार लेंगे, ये जार लेंगे और इसमें हम ये सारे मूँगफली के दाने डाल देंगे। आप चाहे तो छिलके निकाल के भी बना सकते हैं, बट छिलके के साथ में ज़्यादा अच्छे लगेंगे, तो मैं छिलके पूरे इसमें डाल रही हूँ। तो ये हम डाल लिए, अब हम इसको कवर कर देते हैं। तो हमें इसे पूरी तरह से चिकना नहीं करना, थोड़ा दरदरा रखेंगे। अगर आपके घर पे बच्चे और बुजुर्ग हैं तो उनके हिसाब से बना रहे तो आप पूरा इसको फाइन पाउडर ही कर लीजिए। तो मैं इसको दरदरा कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये हमने थोड़े से दरदरा रखे हैं और अब मैं इसमें डालूंगी, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमने 2 कप ये मूंगफली के दाने लिए थे, तो हमने इसमें 1.5 कप ये हम गुड़ लेंगे। ये देसी वाले गुड़ है, आप इसकी जगह में गुड़ के पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस इस तरह से हम इसी में ही डाल देंगे और इसको भी हम साथ में एक बार फिर से चला लेंगे, तो गुड़ भी अच्छे से इस तरह से मिक्स भी हो जाएगा इसमें, तो लड्डू हमें बनाने में भी बहुत ही आसानी हो जाएगी। आप चाहे तो लड्डू को उस तरह से गुड़ को ग्रेट कर लीजिए, पर मैंने थोड़े से पीसेस में कट कर दिए हैं और अब मैं इसको कवर करके चला लूँगी। तो ये देखिए, ये हमने इस तरह से पीस लिया। आप देखिए, गुड़ और ये पीनट भी आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से ये मिक्स हो गए हैं। अब हम इस तरह से एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। अब हम इसमें सारा ये डाल देते हैं। तो ये देखिए, इसको हमने डाल दिया और एक बार हम अच्छे से इस तरह से हाथ से अच्छे से मिला ले रहे हैं, ये अच्छे से इस तरह से पूरा मिक्स हो जाए। फिर मैं इसमें 2 चम्मच घी ऐड करूंगी और मैं इसमें ये 2 चम्मच घी डाल रही हूँ और ये हम 2 चम्मच डाल देते हैं। घी डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, पर इस तरह से लड्डू में टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आ जाएगा। और अभी ये हल्का सा गर्म है, बिल्कुल हल्का सा ही, तो ये अच्छे से घी भी मिक्स हो जाएगा। तो हम इसको पहले मिला ले रहे हैं। तो इसको देखिए, ये हमने पूरा अच्छे से मिला लिए हैं। अब हम इसके लड्डू तैयार करेंगे। तो हम इस तरह से हाथ में लेंगे और मीडियम साइज़ के लड्डू बनाएंगे। तो बस इस तरह से हाथ में लेंगे और दबाते हुए इसका ये लड्डू तैयार करेंगे।
तो ये हमने दोनों हाथों में इसको बीच में रख करके इसको हल्का सा इस तरह से गोल कर लेना है। तो ये आप देखिए कितना बढ़िया, ये देख सकते हैं लड्डू हमारा बन करके तैयार हो गया। इसे आप व्रत में भी खा सकते हो, बहुत ही ये प्रोटीन वाले लड्डू हैं, एकदम इजी तरीके से बन गए। देखिए बहुत ज़्यादा हमें सामान की भी ज़रूरत नहीं हुई है, एकदम टेस्टी एंड डिलीशियस लड्डू बने। अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं, तो अब बस इसको हम प्लेट में रख ले रहे हैं। तो हम ये बाकी का भी इसी तरह से ही ये लड्डू बना करके तैयार कर लेंगे। तो बस इस तरह से हम दबा करके बना लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे सारे लड्डू बन करके तैयार है। देखिए देखने में कितना बढ़िया लग रहे हैं ना, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। इस तरह से आप इसको व्रत में भी बना करके एयर टाइट डिब्बे में रख लेंगे, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं 2 महीने तक इसे, और फ्रिज में रखेंगे तो ये 3 महीने तक भी चल जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कितना ईजी तरीके से टेस्टी टेस्टी हमारा पीनट के लड्डू बन करके तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियो पसंद आए हों। वीडियो अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए। एक बार मैं आपके लिए फिर से नई रेसिपी के साथ मिलती हूँ। बाय बाय।